भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अमित खरे पपई विधानसभा अंतर्गत सिमरिया पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से मुलाकात की। इसके बाद बनोली के कंकाली माता मंदिर में पहुंचकर चुनरी अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न होने के चलते क्षेत्र के लोग जबलपुर इलाज के लिए जाते हैं, जहाँ इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है। हमारी आगामी योजना है कि पवई विधानसभा में एक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो, ताकि विधानसभा के लोगों को उपचार यहीं पर हो, बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं जबलपुर में रह के सेमरिया, पवई, मोहंद्रा, सुनवानी, सांटा, यहां का इतना मरीज परेशान है कटनी जाने के लिए, दमोह जाने के लिए, पन्ना जाने के लिए, बेचारा शिकार हो रहा है। मानव तस्कर जैसे जबलपुर में या भोपाल में लुटेरे बैठे हुए हैं अस्पताल वाले, जो बेचारे परेशान हैं। मैं उनके लिए सोच रहा हूँ कि मैं सेमरिया, पवई या इसके बीच में भी 5 एकड़ का एक जमीन की सर्चिंग चल रही है मेरी। मैं बहुत अच्छा 500 बेड का निःशुल्क अस्पताल बनाऊँ।